हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ई पाठशाला द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स श्री आरएलटी कॉलेज ऑफ साइंस अकोला। सो इट्स आवर लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ आवर यूनिट नंबर 6 ऑफ सेमिस्टर 5। सो इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन द गेन ऑफ एम्पलीफायर। इसके पहले के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ फीडबैक इन एम्पलीफायर। उसके अंदर में हमने फीडबैक के बारे में देखा था और उसके टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। अब इस लेक्चर में हमको डिस्कस करना है इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन द गेन ऑफ एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के गेन के ऊपर फीडबैक का क्या इफेक्ट होता है, ये हमको इस लेक्चर में देखना है। सो इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन द गेन ऑफ द एम्पलीफायर। सो लेट्स कंसिडर द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द एम्पलीफायर विद फीडबैक एंड विदाउट फीडबैक। सो इन दिस स्लाइड you see here this is a block diagram of the amplifier without feedback। ये एक block diagram है amplifier की जिसपे कोई भी feedback network use नहीं किया है। without feedback ये block diagram यहाँ पे दी है जिसमें input है vi और output है vo। तो input vi output vo इस पर से हम gain अगर निकालते हैं तो gain is represented as a। so gain is nothing but the output upon input। so gain, let a be the gain of the amplifier without feedback, then here a equals to v naught by vi, or this equation can be also written as v naught is equals to a into vi. This considered as equation number 1. Okay, so output voltage is equals to the gain into vi. Okay, input voltage. So this is the formula for the gain of the amplifier without feedback. Now we apply the feedback here with the feedback network। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, ये जो एम्पलीफायर था, एम्पलीफायर का जो आउटपुट है V नॉट, ठीक है, और इनपुट था Vi, यहाँ पे फीडबैक लिया गया, स्मॉल पार्ट ऑफ द आउटपुट इज फेड टू द इनपुट वाया फीडबैक नेटवर्क। तो फीडबैक नेटवर्क से यहाँ पे कुछ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आउटपुट निकाल के इनपुट को दिया गया है। ओके, वेन द सम फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज फिट टू द इनपुट टर्मिनल्स ऑफ द एम्पलीफायर, देन दिस फीडबैक फ्रैक्शन गेट एडेड टू द इनपुट वोल्टेज वी आई। सो नेट इनपुट वोल्टेज टू द एम्पलीफायर चेंजेस विद द चेंजेस टू आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे बीटा वी नॉट डैश, वी नॉट डैश, वी आई डैश, ये क्या है। ओके, तो यहाँ पे लेट हियर वी नॉट डैश विद अ न्यू आउटपुट विद फीडबैक। विदाउट फीडबैक जो आउटपुट था वो था वी नॉट, फीडबैक लगाने के बाद फिर ये फीडबैक का फीडबैक नेटवर्क से बीटा वी नॉट डैश, ये फीडबैक वोल्टेज यहाँ पे फिर से इनपुट को दिया गया और इनपुट के बाद में फिर ये आउटपुट में हमको वी नॉट डैश मिला। तो वी नॉट डैश विद अ न्यू आउटपुट विद फीडबैक, बीटा इज विद अ फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ओके, एंड बीटा वी नॉट डैश इज द फीडबैक वोल्टेज, and Vi dash here with the new resultant input voltage for the amplifier। okay, तो अब Vi dash ये input हो गया with feedback और V not dash ये output हो गया feedback के साथ में। तो Vi dash जो input यहाँ पे मिल रहा है, resultant new input यहाँ पे मिल रहा है feedback के साथ में, वो है Vi dash is equals to Vi plus V beta V not dash। beta V not dash ये है fraction of output जो feedback से आया है, और Vi ये ओरिजिनल इनपुट, ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट हो गया फीडबैक का वोल्टेज जो इनिशियली इसको मिल दे रहे हैं हम। तो इनपुट जो आया V डैश वो आएगा Vi प्लस बीटा V नॉट डैश। ओके, ये इस तरह का इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट होगा। बट द न्यू इनपुट एंड न्यू आउटपुट विल बी रिलेटेड बाय द सिमिलर एक्सप्रेशन एज गिवन इन द इक्वेशन 1। अब जैसे जिस तरीके से हमने इक्वेशन 1 को लिखा था वी नॉट इज इक्वल टू ए इंटू वी आई, उसी तरीके से हमको ये है आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक। अब इसी इक्वेशन को मॉडिफाइड करते हुए विद फीडबैक के साथ में हम लिखेंगे वी नॉट डैश इक्वल टू ए इंटू वी आई डैश। ओके, एंड वी नो द वी आई डैश इक्वल टू वी आई प्लस बीटा वी नॉट डैश। सो हम ये वी आई डैश की जगह वी आई प्लस बीटा वी नॉट डैश रख देंगे, और बाद में फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे
ए को इसके अंदर में मल्टीप्लाइट कर दूंगा। तो ए को इसके अंदर मल्टीप्लाइट करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे ए इंटू वी आई प्लस ए इंटू बीटा वी नॉट डैश। ओके, अब यहाँ पे है वी नॉट डैश। अब मैं ए वी आई को यहाँ पर ही रखूंगा और ए बीटा वी नॉट डैश को इधर लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे वी नॉट डैश एक साइड चाहिए कॉमन निकालने के लिए। तो इक्वेशन बनेगा ए वी आई इज इक्वल्स टू वी आई वी नॉट डैश माइनस ए बीटा वी नॉट डैश। अब मैं वी नॉट डैश को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे रहेगा वन माइनस ए इंटू बीटा। ओके, सो वी कैन रिटर्न दिस इक्वेशन, वी कैन ऑल्सो रिटर्न लाइक दैट, वी नॉट डैश को यही रखूंगा मैं और इधर का वी आई इधर लेके आऊंगा डिनोमिनेटर में, और इधर का जो ये साइड का जो वन माइनस ए बीटा है उसको इधर लेके जाऊंगा। तो ये हो जाएगा वी नॉट डैश बाय वी आई इज इक्वल्स टू ए अपॉन वन माइनस ए बीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि वी आउटपुट अपॉन इनपुट इज नथिंग बट अ गेन, और डैश यूज किया इसका मतलब दिस इज अ गेन विथ फीडबैक। सो द गेन विथ फीडबैक कैन बी रिटन एज ए अपॉन वन माइनस ए बीटा। सो ए एफ इज इक्वल टू वी नॉट डैश बाय वी आई विद अ गेन विथ फीडबैक। ओके, सो दिस इक्वेशन टू इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। ओके, तो ये बेसिक फार्मूला है, गेन विथ फीडबैक इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस ए बीटा। ओके, सो हियर ए इज अ गेन विदाउट फीडबैक, ए इज अ गेन विदाउट फीडबैक। ओके, एंड बीटा इज अ फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट विद फीडबैक। सो टोटल गेन विद फीडबैक इज इक्वल टू गेन विदाउट फीडबैक अपॉन वन माइनस ए बीटा। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर टू इज अ गेन ऑफ विद फीडबैक, एंड दिस इक्वेशन नंबर वन इज गेन विदाउट फीडबैक। ओके, सो दिस इक्वेशन टू इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। सो लेट अस कंसिडर द थ्री केसेस। इन द केस नंबर फर्स्ट, व्हेन द फीडबैक वोल्टेज इज इन द फेज विद इनपुट वोल्टेज, दैट इज द फॉर पॉजिटिव फीडबैक। वी सी ऑलरेडी इन द लेक्चर फॉर फर्स्ट अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। इफ द इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज आर इन द फेज, so the feedback is positive, so in that case the beta is positive because the beta is a fraction of output with the input, so the sign of the beta is positive, so that factor become 1 minus a beta. So it if the a beta is subtract from the 1, this denominator become decreases, so that this term is automatically less than 1. So if this denominator reducing, the AF is also increasing because the relation between them is inversely proportional, so that the 1 minus a beta is decreases, the gain is increasing. So for the positive feedback the gain is increases, so the gain of amplifier with positive feedback is increases. For the case number second, when the feedback voltage is out of phase, that is negative feedback, we know the output and input are in out of phase, so the feedback is negative. If the feedback is negative, the beta is negative, the sign of the beta changes here. So sine of the beta become negative, this negative become a positive, the term become 1 plus a beta. If the a beta is added in the 1, the denominator is increasing. So denominator increasing, the gain with feedback is decreasing. Okay, so this 1 plus a beta is greater than 1, so is greater than 1, so AF is less than a. So the gain of amplifier with negative feedback is reduces. So this is the effect of feedback on the gain in the amplifier. Okay. And in case number third, here we see if when the 1 minus a beta is 0, let's suppose the a beta becomes 0, or the a beta is plus 1. Okay, the whole term a into gain with feedback, gain without feedback, or and beta, the term become a 1, this whole term become a plus 1, a into beta become a plus 1. Then 1 minus 1 becomes 0. So this equation here, equation number 2, if this term becomes 0, then 1 upon 0 is nothing but infinity. So that this equation 2 becomes infinity. The gain with feedback is becoming infinity. Thus, the gain of amplifier becomes infinity and begin to oscillate. So this means the output is positive without any input. So that the 1 minus a beta is equal to 0 is a condition for oscillation. So
यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो बीटा और ए इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस वन आना चाहिए। अगर प्लस वन अगर आता है तो वहाँ पे जीरो होता है, और जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी और गेन इन्फाइनेट चल जाएगा। तो यही कंडीशन रहती है ऑसिलेशन की, जब कभी भी हमको ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर ये ऑसिलेशन के लिए यूज करना होता है, तब हम वहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं। सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। सो द एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव फीडबैक इज द ऑसिलेटर विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल जनरेट एन आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ डिजायर फ्रिक्वेंसी एन आउटपुट वेवफॉर्म विच ऑसिलेट विद अ कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड एंड कॉन्स्टेंट डिजायर फ्रिक्वेंसी। तो दिस डायग्राम शो द इंक्रीजिंग ऑसिलेशन, डिकेइंग ऑसिलेशन एंड द कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड एज ऑसिलेशन। सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक। सो पॉजिटिव फीडबैक ऑलवेज यूज फॉर ऑसिलेशन और ऑसिलेटर इन द एम्पलीफायर। सो विथ नेगेटिव फीडबैक हियर द वोल्टेज गेन डिक्रीजेस। सो ए एफ इक्वल्स टू ए अपॉन वन प्लस ए बीटा and bandwidth is increasing. The bandwidth with feedback is equals to bandwidth 1 minus a beta. Okay, so input impedance increases, output impedance decreases, and distortion is decreases. So now here see the advantage of negative feedback: improvement in the gain stability. Okay, reduction in a phase and frequency distortion, reduction in noise level. Input impedance increases, output impedance decreases, increasing the bandwidth. This is a very important advantage because we require the amplifier with a large bandwidth basically. So the gain is decreases. This blue curve show the bandwidth with no feedback. This green curve show the bandwidth with no feedback, and this blue curve show the bandwidth with negative feedback. So if we use the negative feedback, we get an increasing in bandwidth, but the gain is decreases. So for the amplification, good amplification, we required the large bandwidth, so that in the amplifier we always use the negative feedback, and in oscillation we use the positive feedback. So these are the application of the feedback in amplifier. Okay, the amplifier without feedback, we just write the V naught by Vi. But if we use the amplifier as a oscillatory circuit, then we use the positive feedback because we require the highest gain. Okay, and if we require the amplifier, okay, if we require the amplification. Amplifier, so here we use the negative feedback. So because due to the negative feedback, the gain of the amplifier is decreases, but bandwidth is increases. So this is all about the effect of feedback in the gain of amplifier. Okay. So thank you very much for watching this video.